सो हाय एवरीवन, ये मेरा चैनल है रिदम्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को देखा है, वीडियोस देखे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के जो भी रील्स मैं बनाती हूँ वो जो देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में मैं कुछ बीच में भी मैंने बताया था कि बहुत लोगों को देखती हूँ, मुंबई में आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उन लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती, समझ में आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते या फिर थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं कि हम कुछ पेपर खरीदे तो कहाँ से कहाँ जाए, कैसे जाए। तो मैंने पिछले बार भी बोला था कि नवाकाल एक पेपर आता है, उसमें होटल्स के है, रहने खाने का जो भी रहता है, किसी किसी ऑफिस में भी दिया जाता है। तो मैं थोड़ा ये कुछ जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो पेपर मैं हमेशा रोज़ ही पढ़ती हूँ, मैं इनकेस अगर आप यहाँ आ भी जाते हैं या फिर नहीं भी आते हैं तो वहाँ आप जहाँ भी रहते हो गूगल को सर्च करते सभी को आता है, तो वहाँ आप नवाकाल अगर पेपर सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, लेकिन वो मराठी में रहता है तो आपको पढ़ते नहीं आता होगा मराठी, यानी समझेगी नहीं, पढ़ तो सकते हैं क्योंकि वर्डिंग हिंदी मराठी एक ही रहता है लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो मैं कुछ चैनल वीडियोस बनाऊंगी उसके ऊपर, और वहाँ जो भी है, जो वहाँ लिखा है वो हिंदी में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो शायद कोई पढ़ सके, किसी को हेल्प हो जाए, कोई अगर आना चाहता है, किसी को रहने की प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ जब भी कोई आता है मुंबई में या किसी भी जगह, तो सबसे पहले उस एरिया की पूरी जानकारी ले लो, कोई भी एरिया रहे, कहीं भी जाते हैं आप, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, बैंगलोर, मद्रास, जो भी कहीं भी जाते हैं, पहले गूगल पे सर्च कर लो कि कौन सा एरिया है, क्या रोड है, कौन सी बसें जाती है, ट्रेन कैसे जाती है। कई बार हमारे दोस्त हमें बुला लेते हैं कि आप लोग आ जाओ, यहाँ पर काम है, लेकिन जब बस में जाने का रहता है, तो अभी मैं बीच में जॉब पे जा रही थी, एक लड़के को जाना था किधर, मागाठाने पूरीवली के तरफ, और वो बस बैठ गया किसी अपोजिट डायरेक्शन पे, दहीसर के तरफ का, तो कहाँ उतरेगा, कैसे जाएगा, तो इस तरह का कंफ्यूजन होता है। तो आगे वाला भी इंसान आपको ढंग से बता पाएगा या नहीं, कोई साई मंदिर ही बोल दे तो एक ही साई मंदिर नहीं है मुंबई में, एक ही लाइन में 5-6 साई मंदिर मिल जाएंगे आपको, तो ये इस तरह का कंफ्यूजन होता है। तो लैंडमार्क ढूंढिए कि वो एड्रेस पे लैंडमार्क कौन सा है, क्या है, आगे वाले से पूछिए, या फिर जब आप उतर जाते हैं तो 2-3 लोगों को एड्रेस पूछिए, ऐसा नहीं कि किसी एक ने बता दिया निकल गए। मैं भी कहीं जाती हूँ तो 3 लोगों को या 2 लोगों को पहले पूछती हूँ कि ये इधर से रास्ता जाता है क्या, इधर से कुछ है क्या, क्योंकि कोई कोई लोग बताते हैं बराबर, कोई कोई नहीं बताते, ये मैं खुद महसूस करती हूँ। तो जब भी आप आते हैं तो पूरी तरह का एड्रेस, इसका मैंने छोटा सा एक वीडियो भी वर्डिंग में बनाया था कि एड्रेस है जो भी है, पूरी तरह से अपनी तरह से 2-3 दिन उसमें लगाओ, क्योंकि आजकल गूगल वगैरह सबको सर्च करते आता है, इनके साथ नेट भी नहीं चला सकते, तो यहाँ आकर 2-3 लोगों को एड्रेस अच्छे से पूछो स्टेशन पे जब भी उतरते हो, उसके बाद जाइए, हड़बड़ा कर आओगे तो जो वे है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊंगी, जो नवाकाल में कुछ ऐड आते हैं होटल्स के वगैरह, कई लड़कियों को भी देखा है, वो आ जाती है 10-12 साल की लड़कियां देखी है मैंने, 15 साल की, और वो पेपर लेके बैठी थी, और यानी ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कुछ समझ सके, फिर भी वो कुछ ट्राई कर रही थी, ना उनके पास मोबाइल था, एक छोटा सा थैला लेकर आई थी वो लड़कियाँ, तो कहाँ जाएगी मुझे नहीं, मैं ट्रेन से जाते जाते प्लेटफॉर्म से देखा उनको। तो इस तरह का ये रहता है, तो आपको शायद हेल्प मिल जाए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख दिया करूँगी, मराठी का ऊपर का जो भी पोर्शन है उसको भी मैं टैग करूँगी, उसको आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन आप जो भी आते हैं कभी भी, तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप यहाँ आ जाओगे, और बट कोई रखते हैं बिना इसके, कोई नहीं रखते, किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो को किसी का यानी होमली वर्क डोमेस्टिक भी रहता है, तो ये इस तरह के 2-3 चीज़ें हैं, मैं जो डाउनलोड करूँगी तो
शायद किसी को हेल्प हो जाए तो आपको थोड़ा काम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत लोगों को देखा है मैंने, अभी मैं किसी के पास जाऊँ और मैं अपने से बात करूँ तो ये भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे हैं और मैं उनको कुछ और ही पूछूँ तो उनको बुरा लगे शायद। तो ऐसे होता है, हम कभी कभी किसी के बारे में हम कुछ पूछने जाते हैं, हम बताते भी हैं तो उनको गलत लगता है। तो ये इस तरह का ना हो तो एक मैं वो पेपर का एक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर एक हेडिंग दूंगी जॉब करके, मुंबई जॉब। किसी ने अगर पूछा भी तो आप मोबाइल नंबर तो सभी को समझ में आते हैं, अगर किसी ने पूछा भी तो आप बता सकते हैं कि इस पेपर में देखा है मैंने, नवाकाल है। पेपर का नाम भी दूंगी मैं, कौन से तारीख को आया है वो भी दूंगी, वहाँ पर लिखा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसमें। अगर आप लोग देखना चाहते हो नंबर और वो नंबर लेके आना चाहते हो तो आ सकते हो। और यहाँ आते वक्त तीन लाइनें होती है, हार्बर होती है, सेंट्रल और वेस्टर्न। ज़्यादातर वेस्टर्न लाइन पे और सेंट्रल लाइन पे ज़्यादातर जॉब रहते हैं, तो हार्बर पे थोड़े कम रहते हैं। तो जो भी वो लाइन हो वो भी चेक कर लीजिए कि कौन से लाइन पे आना पड़ता है। ईस्ट वेस्ट सबसे मुंबई में आते वक्त कहीं भी जाइए आप पूरे मुंबई में, ईस्ट या वेस्ट किसी को भी पूछ लीजिए कौन से साइड जाना है, तो वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप ईस्ट में यानी पूरब की तरफ चले गए और पश्चिम का एड्रेस पूछ रहे तो आपको वो एड्रेस कभी नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये इस तरह का मैं कुछ लाइनिंग लिखूँगी। तो जब भी आते हो तो थोड़ा अपना पैन आधार कार्ड जो भी है वो साथ में लीजिए, तो थोड़ा कुछ अपने पास कुछ पैसे रख के आइए। इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं शहर नहीं जा सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर की जो अपनी कंडीशन रहती है, और कभी कभी होता है ऐसे कि इंसान नहीं निकल पाता, कभी परिवार रहता है, कभी माँ बाप रहते हैं, उनको छोड़कर कोई कोई नहीं जाते, कभी कुछ भी यानी कुछ भी हो सकता है, घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सभी एक जैसे नहीं होते कि यानी कि हमारे जो भी कुछ करना है तो फट से निकल जाए, तो किसी किसी को वक्त लगता है। ऐसा भी अगर आपकी सोच हो तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कहीं जाकर ही सब कुछ ये हो सकता है। तो अपने 5-6 किलोमीटर के अंदर या 10-15 किलोमीटर के अंदर जो भी है वही आप जॉब देखिए, वही कीजिए काम, और वही से सबकी सोच क्या रहती है ना आजकल, बाहर जाए बाहर कुछ करे, लेकिन ऐसा सबको नहीं होता। तो ये मत सोचिए कि मैं बाहर नहीं गया तो वो जा रहा है तो मैं नहीं गया, तो हमारी कभी कभी कंडीशन ऐसी रहती है कि बाहर नहीं जा पाते। तो आप उस वक्त उसी एरिया में मन लगा कर काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि चाहे फिर वो आप पढ़े लिखे नहीं हो, हम जब पढ़ाई करने जाते तो हमें बचपन में होता है परेशानी होती है, फिर बाद में उसका हमिया जब उकरना पड़ता है तो ये इस तरह का होता है। तो आप जाइए केयर ऑफ काम कीजिए, और उसके बाद अगर पैसे जमा हो जाते तो फिर आराम से आइए, कहीं रहना हो, कई लोगों के दोस्त किसी की फैमिली रहती है, फैमिली के साथ भी रहना इतना आसान नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है आप लोगों को जो भी आते हैं। पीजी में रहना हो तो पीजी में भी आ सकते हैं, अगर आपको पीजी में भी रहना हो तो वहाँ पर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पेइंग गेस्ट आएगा, तो उसमें रूम का रूममेट यानी शेयरिंग में भी रहता है, तो वो नंबर ज़रा चेक कर लोगे, क्योंकि कोई कोई फ्रॉड भी हो सकते हैं, जॉब में भी कोई कोई फ्रॉड होता है, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन करके आने का। हम भी कॉल करते हैं कभी कभी जॉब वगैरह के लिए, तो हमें लग रहा है कि कहीं कुछ अलग है, गलत है। जो लोग पैसे मांगते हैं उन्हें कुछ मत दीजिए, चाहे वो 200 रुपये मांगे या 300 रुपये मांगे या 1000 रुपये मांगे, उन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो 2-3 जगह बेचते हैं, आपको अगर पसंद नहीं है तो आपके भटकते रहोगे। तो ऐसे सिंगल ऐड आते हैं जैसे खुद उन्होंने दी हो, वैसे इस तरह की ऐड देखिए, जो पैसे मांगते हैं उनके पास बिल्कुल मत जाइए। हाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट है, नहीं हमें मिलेगा ही तो ही जाइए। तो इस तरह का मैं रेडी करूँगी अभी कुछ दिनों में, मैं बहुत दिनों की सोच रही हूँ उसके बारे में, लेकिन दूसरा कुछ रहता है तो वो रह जाता है। तो आप प्लीज वो उसमें डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ऐसा दिल में मत लाइए कि
आगे वाले के देखेंगे तो व्यूज बढ़ेंगे, ये वो ये मन में मत लाइए। या फिर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो और आपको ट्रांसलेट या फिर ट्रांसलेट की जो आता है हिंदी मराठी में वो भी कर सकते हैं, तो आपको वही हेल्प मिल जाएगी, आपको पेपर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवाकाल सर्च कीजिए, रोज़ पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कई लेडीज रहती है, यानी अपन बोलेंगे कि थोड़ा अनाथ या कुछ बोलेंगे इस तरह की रहती है, जिनका कोई नहीं रहता, तो यहाँ भी उनके लिए भी रहता है। तो ऐसा कुछ रहा तो आप मैसेज भी कर सकते, लिंक मेरी फेसबुक की लिंक है या फिर कहीं भी, तो वहाँ लिखिए आप कि मुझे, मैंने आपका ये वाला वीडियो देखा है तो और मुझे इस तरह का काम चाहिए, तो कुछ होगा तो बताइए, तो मैं आपको मैसेज करूँगी उस तरह के, और आपका नंबर भेजिए तो मैं खुद आपको कॉल करूँगी मेरे मोबाइल से। इस तरह नहीं कि आप सिर्फ हाय भेज रहे हैं कुछ, अरे कुछ काम हो तो वो तो बोलो कि मैं करूँ कुछ, सिर्फ हाय हाय, कितने हाय, तो हाय लिख के कुछ नहीं होता, आपको क्या काम है वो बोलिए। हाय लिखे और क्या 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 लिखते हैं मुझे इतना, मैं कभी कभी पढ़ती नहीं, तो ये इस तरह के नहीं, कुछ पर्पज हो तो बात कीजिए, किसी को भी ज़रूरत ही नहीं इतने सारे मैसेज है वो भेजने की, इट्स ओके, कोई ध्यान नहीं देता तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप लिखिए वहाँ पर, मेरे मेरा वो जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ आप मैसेज डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी अकाउंट मैंने है मेरा, उस पर भी आप मैसेज डाल दीजिए, तो आप वहाँ पर्पज लिखिए कि मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, और उसके नीचे आपका नंबर लिखिए, तो मैं आपको डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी, आपको अच्छे अच्छे जॉब आते हैं अभी हर जगह, लड़कियों के लिए थोड़े कम रहते हैं, लड़कों के लिए ज़्यादा रहते हैं, रहने खाने का जैसा रहता है, तो उस तरह आपका जॉब मिल सकता है आपको। तो इस तरह साफ सुथरा लिखिए कि मुझे एक काम है, प्लीज़ आप उसके लिए थोड़ा भेज दीजिए, तो मैं पूरा डिटेल्स और कहीं होगा, लेकिन आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड है, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपको रहना ज़रूरी है आपके पास। तो बस इतना ही कहना था, थैंक यू, आप वो वीडियो देखिए आप, थोड़ा तो आपको हेल्प मिल जाएगी, थैंक यू।